दिनों को खत्म और बर्बाद करेंगे। इंशाल्लाह मेरे भाई, हम वक्त का इंतजार करेंगे और जब भी हमें वक्त मिलेगा इंशाल्लाह उनका मुल्तान जवाब देंगे। हम 44 की जवाब उसका सिग्ना सिग्ना मिसाल देंगे इंशाल्लाह। हम आज वादा करते हैं, आज हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आज पाकिस्तान 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 खत्म करो खत्म करो खत्म करो खत्म करो। पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान हिंदुस्तान खत्म करो खत्म करो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। खत्म करो खत्म करो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान 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 पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करो खत्म करो हिंदुस्तान दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज जो एहतजाजी रैली निकाली गई है, इस रैली से जो फौज पर हमला हुआ वो फौज पर नहीं बल्कि मुल्क में मुल्क के ऊपर और मुल्क की सालिमियत के ऊपर जो हमला हुआ, हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं और जो उसमें शहीद हुए और उनके साथ हमारी हमदर्दी है और जो जख्मी है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे, अपने जो उनके इंतजाम है उसको और मजबूत करे ताकि आइंदा इस तरीके के हमले दहशतगर्दाना हमले ना हो। और इसी तरीके से ये जो दहशतगर्द हमला हुआ वो हमले की हम अपनी तरफ से अपने यहाँ हम वतनों की तरफ से और भैंसा के तमाम हिंदू इंतजाम को और मजबूत करें ताकि आइंदा इस तरीके के बुजदिलाना हरकत ना हो सके और
ये जो भी हमला करे हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इतना कहते हैं मेरे बाबा भाई साहब। पटनम लो हिंदू मुस्लिम लो मेमंता ఒకటే అనే సందేశంతో ఏదైతే జమ్మూ కాశ్మీర్లో 14 ఫిబ్రవరి రోజున మన దేశాని కోసం దేశ రక్షణ కోసం మరి ఉగ్రవాదుల దాడిలో 49 మంది జవాన్లు వీరమరణం పొందడం జరిగింది। మరి మన దేశ జవాన్లకు మరి గాయపడ్డ వారికి మన ప్రభుత్వాలు అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలని మరి ఇటువంటి చర్యకు మనమందరము కలిసికట్టుగా తిప్పికొట్టే సమయం కాబట్టి మన భారతదేశం మన పౌరులందరము మరి మన పట్టణ ప్రజలందరూ మన నియోజకవర్గ ప్రజలందరము ఒకటే అని ఉగ్రవాదులకు ఒక సందేశం పంపడానికి ఈరోజు మనమందరం కలిసి రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది। మరి మనందరి తరఫున ఒక మెమోరాండం సమర్పించి మరి ఇటువంటి చర్యలకు మనం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని చెప్పడం జరుగుతుంది। మరి అవకాశం ఇచ్చినందుకు హమలా కరే జో పాకిస్తానీ ఏ బుద్ధిలానా కాయరత్ హై ऐसे हमले कर कर हमें डराना चाहती है ना, इसके कोई डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तानी सब एक है और पाकिस्तान को 5 मिनट में उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन जो अपने 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 कायदे कानून से मोदी जी ने किया है वो सब मालूम है। जो फोर्स के लिए अपने और जो ये कायराना हरकत कर रहे पाकिस्तान, आज तुम्हें चैलेंज है। भारत के सभी वासिया हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भाई बहन सब मिलकर तुम्हें चैलेंज करते हैं। तू आना है तो आगे आके सामने लड़ाई कर, ये पिछवाड़ा करने का दुस्साहस मत कर आइंदा। ऐसे कहते हुए उसकी कानून की पाबंदी करें। एक इस्लाम बताता है, इस्लाम अमन का पैगाम है, इस्लाम अमन चाहता है। एक आदमी अगर जान लेना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो पूरी इंसानियत के नुकसान पहुंचाना जैसा है। तो इस्लाम ये चाहता है कि अमन चाहता है, ईमान अमन चाहता है। सब मिलके हम हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान का। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का हर तरह से दिफा करेंगे। हम ये बता रहे हैं कि आज हिंदू मुस्लिम सब एक है। अगर हिंदुस्तान पे मुसीबत आती है तो उतनी तकलीफ हिंदू को भी होती है और उतनी तकलीफ मुसलमानों को भी होती है। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, ऐसे जब भी वतन के लिए जब बात आ जाए तो सब एक हो जाए और दुश्मन का समझे दुश्मन का व्याट से व्याट बजा दें। Right. Okay.